हाय एवरीवन, आप सबके रश्मि एजुकेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सिक्स स्टैंडर्ड के फर्स्ट लेसन के जो सेकंड पार्ट है वो आप लोग को बताने जा रही हूँ। सेकंड पार्ट में हम लोग अभी पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस आर्टिकल्स व्हिच आर कार्व्ड ऑन द मेटल्स एंड स्टोन आर कॉल्ड स्टोन इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मीन्स लिपि, लिखाई। जो आर्टिकल्स है किसी के बारे में जो लिखा रहता है मेटल और स्टोन में, उसी को स्टोन इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। वी कैन नो अबाउट हिस्ट्री फ्रॉम स्टोन इंस्क्रिप्शन। इस शिलालेख से हम हिस्ट्री या इतिहास के बारे में जानते हैं या जान सकते हैं। मेनी टाइम्स इंस्क्रिप्शन वेयर डन ऑन मेटल ऑल्सो। बहुत समय में कहीं कहीं कई राजाओं की इंस्क्रिप्शन जो है लेख लिपि है लेख जो है मेटल के ऊपर या धातु के ऊपर भी किया जाता है, किया गया है। किंग्स यूज टू कंजर्व विथ पीपल बाय कार्विंग हिज ऑर्डर्स एंड कमांड्स ऑन दिज रॉक्स। इसके ऊपर राजा जो अपने आदेश देते थे उसको बचाए रखने या फिर उसको बहुत देर तक रखने के लिए ऑर्डर और जो था कमांड उसको सब रख के ऊपर लिखते थे। मैनी किंग्स एंड क्वींस हैव इंस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन अबाउट दर किंगडम विक्ट्रीज रिलीजन एंड कल्चर ऑन दिज स्टोन्स। बहुत राजा और रानी लोग क्या करते थे, अपने इन्फॉर्मेशन जो है अपने राजा पे और अपने विक्ट्रीज जो जयजुक्त करते थे और अपने धर्म और कल्चर के बारे में और इसको सब शिलालेख यानी स्टोन के ऊपर लिख के रखते थे। स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक आर वेरी फेमस। इस सब इंस्क्रिप्शन से इस सब सभी शिलालेख के बीच में जो अशोक के जो शिलालेख है वो बहुत फेमस था या है। रिकॉर्ड्स एंड इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन दीज आर लॉन्ग लास्टिंग। ये रिकॉर्ड और इंस्क्रिप्शन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत दिन तक रहती है। इसलिए जो शिलालेख की बहुत मान्यता रही है। पहले जो हम पास्ट हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, जो इतिहास हमें कहाँ से मिलती है, ज़्यादातर इतिहास हमें शिलालेख से मिलती है। हम अभी पढ़ रहे हैं कि टूल्स अबाउट नो हिस्ट्री। हमें इतिहास कैसे पता चलती है, किस किस जरिए से, किस किस के माध्यम से हमें इतिहास पता चलती है, उसमें से हम पढ़े थे जो मैनुस्क्रिप्ट, उसके बाद अभी पढ़े इंस्क्रिप्शन। तो स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक टाइम जूनागढ़, ये जो एक पिक्चर है इसके ऊपर लिखे गए हैं। ये जूनागढ़ की एक स्टोन इंस्क्रिप्शन है, इसकी पिक्चर यहाँ बताया गया है। पर थर्ड पॉइंट कॉपर प्लेट यानी ताम्रपत्र, थर्ड पॉइंट है ताम्रपत्र। द टेक्स्ट व्हिच इज एनग्रेव्ड ऑन कॉपर शीट इज कॉल्ड ताड़पत्र, ताम्रपत्र। जो कॉपर शीट में जो लिखा रहता है उसको ताम्रपत्र बोला जाता है। मेनी किंग्स हैव एनगेज इन्फॉर्मेशन अबाउट दर एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोनेशन ऑन ताड़पत्र। इसके ऊपर बहुत राजा अपने जो कभी दान देते हैं, कुछ कहीं कुछ अच्छा काम करते हैं तो इसके ऊपर लिख के रखते हैं। सच ताड़पत्र हैव बीन फाउंड इन गुजरात लार्ज नंबर्स। इस तरह से जो लिखाई जो है गुजरात में बहुत पाए जाते हैं। दे गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट नेम रिलीजन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोनेशन। ये हमें इंफॉर्मेशन देती है उस राजाओं के नाम के बारे में, उनकी वो विश्वास करते हुए धर्म के बारे में या मान्यता देते हुए धर्म के बारे में, उनकी शासन के बारे में और उनकी दान के बारे में। सच ताम्रपत्र हैव बीन प्रिजर्व्ड इन हेमचंद्र लाइब्रेरी इन पाटन नॉर्थ गुजरात, एलिड इंस्टीट्यूट ऑफ एंड्रोलॉजी नवरंगापुरा अहमदाबाद, बी जे लर्निंग एंड रिसर्च स्टडीज विद्या भवन अहमदाबाद। इस सब जगह में ये जो आपके ताम्रपत्र जो है पाए जाते हैं। श्री महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा या गांधीनगर, यह सब ये कॉपर प्लेट में बने गए या ताम्रपत्र में जो लिपि है या लेख है उसको हम पाते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों आपकी जो आज की सेकंड पार्ट की जो वीडियो, इसके बारे में आप अच्छी तरह से आगे मैं आपको दूसरा पढ़ाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।